वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 12 एक्सरसाइज 12.2 सम नंबर 6 करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस हैविंग डायगनल्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रोम्बस सबसे पहले हम रफली ड्रॉ करेंगे। रोम्बस की हमारे पास जो शेप है गिवन, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो डायगनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं और बाइसेक्ट यानी यहाँ से अगर ये कंप्लीट लाइन जैसे 8 सेंटीमीटर गिवन है तो 4 सेंटीमीटर इधर और 4 इधर, ये कंप्लीट लाइन अगर 6 सेंटीमीटर तो 3 इधर और 3 इधर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास रोम्बस है ए बी सी डी, इसलिए हम ये रफली ड्रॉ करने की हेल्प से हम साथ में फिर ड्रॉ करेंगे रियल में जो वैल्यू गिवन है। स्टार्टिंग में हम लाइन ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर की, यानी एक डायगनल हम ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। अब हमने ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करती है, तो इसलिए सबसे पहले इस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। किसी भी लाइन को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना है तो हम उस लाइन का हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, हाफ से ज़्यादा एस्टिमेट आइडिया से, और एक नोक से एक कॉर्नर से हम बोथ साइड आर्क ड्रॉ करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे सिरे से यहाँ से भी हम आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क नीचे भी और हमारी ऊपर भी। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ से क्रॉस करते हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो यहाँ से हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस तरह से। साथ में हम कंस्ट्रक्शंस भी राइट करेंगे। फर्स्ट इज ड्रा ए डायगनल, हम ड्रॉ कर रहे हैं डायगनल 8 सेंटीमीटर यहाँ हमने, फिर हम ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी होगा और इस लाइन को इक्वल टू पार्ट्स में बांटेगा सेक्टर। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट होगा। इस तरह से हमने जो रफली ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग कर लेते हैं, ए सी डायगनल ए सी। अब यहाँ से इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ओरिजिन ओ, जहाँ पे दोनों ज्वाइन करते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, ये कम्प्लीटली आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए यहाँ से देखो 0 से 4 सेंटीमीटर और इधर भी आपकी 0 से 4 सेंटीमीटर ही आया है, इक्वली बाइसेक्ट होगा। अब जो सेकंड डायगनल हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ये हमारे पास होगा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की हम आर्क लगाएंगे। तो यहाँ से ओ से ड्रायर आर्क 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ से अबो भी और बिलो भी, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स में ही होगा। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए जो हमारे ए, ये पॉइंट हमारे पास होगा बी सी और ये हम पॉइंट हमारे पास होगा डी। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस होगा। यहाँ से इस तरह से सब लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि रोम्बस के डायगनल नेसेसरी नहीं है इक्वल हो, जैसे यहाँ पे एक 8 है एक 6 है, स्क्वायर के डायगनल इक्वल होते हैं और स्क्वायर की साइड्स भी इक्वल होती है, रोम्बस की साइड्स भी इक्वल होती है, बट डायगनल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। स्केयर में जो लाइन है, जैसे हमारे पास ये रोम्बस बना, अब रोम्बस में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ये 90 से कम है।
स्क्वेयर में आपका कंप्लीट 90 डिग्री का ही आएगा अगर हम डायगनल की हेल्प से स्क्वेयर ड्रॉ करते हैं तो। अब हमने जो किया था वो राइट करेंगे। ड्रा, सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसके बाद ड्रा एन आर्क 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ एंड ड्रा अनदर आर्क, अनदर आर्क आर्क ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ओ टू बी पॉइंट्स, ओ टू डाउन साइड, तो डाउन साइड भी हम आर्क ड्रॉ करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। और फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट ज्वाइन करेंगे हम, ज्वाइन ए बी, बी से सी को एंड सी को डी के एंड ए टू डी, इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। दिस इज ए रिक्वायर्ड रोम्बस, दिस इज ए रिक्वायर्ड रोम्बस, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रोम्बस होगा। आप कंस्ट्रक्शंस अपने अकॉर्डिंग राइट कर सकते हो। दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर इन विच डायगनल आर 4 सेंटीमीटर। डायगनल गिवन है, रोम्बस और जो स्केयर है वहाँ हमारे पास ड्रॉ करने का प्रोसेस लगभग अगर डायगनल गिवन हो तो सेम होगा कि दोनों के डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। डिफरेंस इज कि जो इसके डायगनल है बोथ आर इक्वल, कंपल्सन है दोनों इक्वल ही होंगे, वहाँ कंपल्सन नहीं हुआ इक्वल हो या नहीं भी हो सकते। और यहाँ पे जो स्केयर्स की लाइन है, स्केयर्स जो हमारा स्केयर होता है उसके सभी एंगल 90 के होते हैं। रोम्बस मेन एक्सेसरी नहीं है कि सभी एंगल 90 के हो, यहाँ 90 से कम भी हो सकता है और 90 से एक ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ से। तो ये रोम्बस है, सिर्फ डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, स्केयर के भी और रोम्बस के भी बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगे, दोनों के अंदर सेम, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो या ड्राई डायगनल 4 सेंटीमीटर हमने। और डायगनल हमारे पास क्या होगा, ए बी सी, यानी ए सी या बी डी, तो यहाँ से। अब इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के लिए हम हाफ आई डी से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, एक बार डाउन साइड आर का ड्रॉ करेंगे और एक साइड अपवर्ड। फिर दूसरे सिरे से भी वही सेम प्रोसेस होगा हमारे पास, एक बार डाउन साइड आर ड्रॉ करेंगे और सेकंड टाइम अपवर्ड। यहाँ से दोनों साइड से जहाँ पर भी दोनों पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उनको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये हो गया इसका परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। कंस्ट्रक्शन आप सेम राइट कर लेना, रोम्बस की तरह ही हमने, यानी ड्राई लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर, फिर ड्राई एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब इसके डायगनल तो सेम है, यानी ये लेंथ जो यहाँ से ये लेंथ है सेम लेंथ हमारी अपवर्ड होगी और सेम लेंथ हमारी डाउन साइड होगी, क्योंकि जो स्केयर है उसके डायगनल इक्वल भी होते हैं, तो ये हिस्सा इसके इक्वल भी होगा, बाइसेक्ट हो यानी समान दो भागों में बांटेंगे। अब जहाँ पर आर्क ड्रॉ ही वो हमारे हो गए पॉइंट, बी पॉइंट, ए बी सी और ये हमारे पास डी पॉइंट होगा। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से ए टू डी, फिर ए टू बी। यहाँ से आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो हमारी लाइन्स है बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्रेट आई हुई है। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो घुमा के, ये देखो ये हमारे पास
जो लाइन है साइड्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, ये हमारे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो स्केयर्स की साइड होती है। तो दिस इज ए रिक्वायर्ड स्केयर। जो कंस्ट्रक्शंस का प्रोसेस है वो सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।